वकार मेरे पाक नबी दा विसाल हो गया जदों हुजूर दा विसाल होया हजरत फातिमा घर वड़ के नुकरे लग के रोंदियां ने दिन भी रोंदिया लग जांदा है रात भी रोंदिया लंघ जांदी है इसे तरह रोंदियां रहिंदियां ने इमाम हसन भी रोंदे ने हुसैन पाक भी रोंदे ने मौला अली भी रोंदे ने क्यों ना रोवन इस बात रोमिए कश्मीर आरफे खड़ी हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आ फरमा देने के असी अमाड़े असी अमाड़े ए दुनिया डाडी डर दे उफ नहीं कर दे टुर जांदे ने महबूब जिना दे ओना ज्योंदे ना मर दे हजरत वकार हजरत मौला अली पाक भी रोंदे ने अचानक एक दिन असर दा वेला आए असर दा वेला सूरज गरोब हो गया सूरज डुब जांदा है सहाबा परेशान हो गए सूरज क्यों डुबाए मुस्तफा दे रोजे तो रोवन दी आवाज आ रही है सहाबा ने अपनिया बीवियां नु बाहर कढ़े आओ आख्या जाके वेखो रोवन दी आवाज ते सैयदा कायनात दी लगदी है सहाबा दियां बीबियां जदों बाहर आईयां वेखे हजरत बीबी पाक फातिमा रोंदियां पईयां ने सिर तो कपड़ा सिरक जांदा है जदों कपड़ा सिरकया अल्लाह सूरज नु हुक्म दिता फरमाया वापस मर जा किते फातिमा दा वाल ना आवे सूरज डुब गया हजरत सगीदा खातून ने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा खर रोंदियां रोंदियां वापस आ गई अब आप फिर वेला आया मौला अली पाक फरमाते ने मैं घर आया तो बीबी पाक ना बड़िया राजी बड़िया खुश ते घर दी सफाई पियां करन आप पियां सफाई करन हजरत केड़ा वेड़ा है जिथे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु डॉक्टर साहब हजरत सगीदा सलमान फारसी ओ सहाबी रसूल जिन्हें बड़ी उम्र लंबी पाई वतन छड़ के बड़े वड्डे जिम्मेदार दे पुत्र सन बड़े वड्डे जिम्मेदार दे पुत्र ते नबी दा नां एक बारी सुनिया जागीरां छड़ दित्तियां सारा कोई छड़ के ते नबी दे विकदे वकांदे किन्नियां जगह ते विके सलमान फारसी ओ ने जिन्ना खजूरां दा बाग लाया ना ते उंदे मालक ने खजूरां भी साड़ दित्तियां भी उगल ना ते जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथां नाल लाईयां ते उन्हें आख्या ओ यहूदी ने आख्या हथ नबी दे लग गए ने ते किते ओगी ना पैंदियां होवन ओ जिथे जिथे लगियां सी उन्हें गिड़कां भी कढ लईयां हजरत सलमान ने आख्या सोणिया लगदा उन्हें गिड़कां भी कढ लईयां फरमाया लाईयां असां ने गिड़कां होवन ना होवन खजूरां उगण गईयां ते सवेरे लग भी जाणगीयां उग भी पैन गईयां ते लग भी जान गईयां फिर रातो दिन ना चढ़िया खजूरां जवान होईयां ते जनाब गिड़कां ओ खजूरां भी लग गईयां यहूदी कहिंदा है हुण सवेरे ओ आजाद नहीं सी करना चाहुंदा हजरत सलमान फारसी बड़े सोहणे सन हसीनो जमील सन ओ चाहुंदा सी मैं आजाद ना करा उन्हें शर्त ही ऐसी रखी भी जदों खजूरां जवान होवन गईयां फल लगेगा ते खजूर दा वाहिद दरख्त है जिहनूं फल बड़ी लेट लगदा बड़ी लेट 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 जाके जवान हुंदा ते फिर इहनूं फल भी बड़ा लेट लगदा उन्हें कहा इन्ना चिर ते रहेगा फिर जदों उन्हें गिड़कां कढ लईयां उन्हें कहा ना गिड़कां होवन गईयां ना खजूरां उगण गईयां ना मैं आजाद करांगा इधर वो खुशी नाल रात सुता भी सुबह उठांगा ते इनू मैं आजाद नहीं करना पक्का ही काम खत्म हो जाएगा इधर सलमान बड़े खुश होके सुते सवेरे हुजूर ने आख्या खजूरां उग पैण गईयां लग भी पैण गईयां सवेरे काम बन जाना मैं मुस्तफा दे बूबे ते टुर जाना मैं सवेरे हुजूर दे बूबे ते जाना ते सारी रात इसे तांग दे विच नींद ही ना आई इसे तांग विच नींद मदीने जाना होवे बंदे ने समान बनता पे होवे पता सवेर दी फ्लाइट मैं मदीने जाना है दुआ करो कि खुल जाए उमरा तो फिर मदीना पा के जाइए तो फिर जो जाना होंदा ना पता होंदा इन्नी तारीफ नूं जाना है फिर नींदा नूंदा नहीं आंदियां बंदा कहिंदा है फिर ख्याल यही होंदे ने रात नूं सोवे बंदा ख्याल होंदे ने मदीना इंज दा होवेगा गलियां इंज दियां होण गईयां काबा इंज जो पहली बार वेखां ते इस तरह होवेगा आशिक बोल के कहिंदा इको तांग मदीने जावन दे कोई दिल दी हसरत होर नहीं हुन सोने आ तेरी
मर्जी है मेरा ते कोई जोर नहीं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो सवेरे उठे तो खजूरां भी उगियां, उन्हें आख्या किवें उगियां, फरमाया खा तो आना खा के आजाद करांगा। उन्हें जो फाड़ के खाधी ना आंदा सलमान इत्थे तां गिड़का ही कोई सी, फरमाया फिर गिड़का तो बगैर ही हो, बगैर गिड़का तो खजूरां लगियां। ये अन बोलियां नूं बुला जानदा है, ये सड़ियां खजूरां उगा जानदा है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये मकाम ते मर्तबा है। हजरत सलमान फारसी ना अपनी दाढ़ी दे नाल हजरत बीबी पाक दी चौखड़ ते ना दाढ़ी दे नाल झाड़ू पै देण की करण लोको, ये बुआ जे जिथे इजराइल अंदर नहीं आंदा। वड्डा चौधरी होवे, जिड्डा मर्जी बादशाह होवे, जिन्ना मर्जी आला तरीन होवे, इन्हें कदी इजाजत नहीं मंगी। पर इत्थे आके ते दरवाजा खड़कांदा है, अंदर आंदा नहीं, कहंदा है इजाजत होवे ते आ जावां। बीबी पाक फरमांदियां नहीं, मुड़ जांदा। अगले दिन फिर आंदा, कहंदा इजाजत है, फरमांदियां नहीं इजाजत नहीं, फिर मुड़ जांदा, फिर आंदा। मेरे पाक नबी फरमाया फातिमा कौन है? बाबा रोज आंदा ते आवाज बड़ी दी सख्त है। फरमाया तेनू पता है कौन है? बाबा कौन है? फरमाया इहो ही जिहड़ा तियां कोलों बाप लैके चला जांदा है, तियां नूं यतीम करके टुर जांदा है, परावां दे कोलों परा लैके चला जांदा है। बाबा इजराइल? फरमाया बेटा हाँ, एक ने कदी किसे कोलों पुछया नहीं, पर तेरे परदे दा हया करदा ही, अंदर आवण दी इजाजत नहीं होंदी मिलदी, अंदर आवण दी इहनूं इजाजत नहीं मिलदी। हजरत सलमान फारसी दाढ़ी दे नाल ना झाड़ू कच्छी पै करन, एक बंदा आया आके कहिंदा सलमान की पै करदे हो? कहिंदे नौकरी पै करना। जिहड़ा असीं दुआ च कहिंदे ना मनो दस दा माने आले रसूल, ऐ ही जे खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावा तमरत कुनी वरकबूल, मनो दस दामा ने आले रसूल असा जड़ा कहने ऐ ये। हजरत सलमान फारसी झाड़ू देवन, सिहाबी आके कहंदे ने सलमान की कर दे? कहंदे नौकरी पिया करना, नौकरी का हक अदा पिया करना, गुलामी पिया करना। उन्हें आख्या गुलामी पिया कर दौ ते चौखट नूं साफ पिया कर दौ। उन्हें आख्या फरमाया तुसीं पग दे ला लो, अपने सिर की पग ला के किसी की चौखट नूं साफ करना, इहदे तों वड्डी वी कीड़ी सादत की बात है? फरमाया ये तो है आ, पर तेनों नहीं पता मैं उस बुवे की चाकरी पिया करना जिथे चक्की आके जबरील पीसदा है, झूला आके फरिश्ते जुला देंदे ने। हजरत दे वकार हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला फरमा दे, मैं उस दरवाजे ते चौखट ते अपनी दाढ़ी नाल सफाई पिया करना वा जिथे फरिश्ते भी आके अदब नाल झुक जांदे ने, जिथे आके सलाम फरिश्ते भी सलामा पेश करदे ने, जिथे इजराइल बगैर इजाजत अंदर दाखल नहीं आउंदा। फरमाया मैं तो इको पैगा पिया देना के अज़मत आले नबी बोलना जाना लोगो आले नबी बोलना जाना लोगो अजमत हुण सारे गोजा पा के कह दियो अजमत आले नबी बोलना जाना लोगो देखना गैर की बातों में ना आना, जब जनादे पे मेरा तारुफ पूछे, जद मेरा जनादा जाता होवे मेरा फकीर दा जनादा जदो जाता होवे लोकी पुछन जनादा किदा जा रहा है, मैं जड़ी वसीयत करन लगा ए ना कहना के कारिये कुरान जा रहा है, ए ना कहना खतीब जांदा है, ए ना कहना कारी साहब दा जनादा है, ए ना कहना हाफिज़े कुरान दा जनादा है। लोकी पुछन जनादा किदा है, इको ही गल दा जवाब दे देना, जब तारफ मेरा जनादे पे पूछे ये गुलामे जहरा है बताना लोगो, ये गुलामे दर पर
पंज तल है बताना लोगो अजमत आले नबी बोल ना जाना। हजरत मौला अली घर आए थे सैयद कायनात बड़िया राजी ने फरमाया फातिमा मेरा दिल राजी हो गया है अज मैं तेन खुश वेख्या है अज तेन राजी वेख्या है अज मेरा दिल बड़ा राजी हो गया है। हजरत सैयद कायनात ने हाथ फड़ ले आओ फरमाया अली अंदर आ जाओ अंदर लैके चलिया गई आओ फरमाया हसन ते हुसैन नु आखो जाओ के नाने दे रोजे ते चले जान जाके दुआ कर नाने दी बाग बार के अंदर सलाम पेश कर। मौला अली ने हसन से हुसैन नु फरमाया शहजादे हो जाओ नाने दे पार के अंदर चले जाओ। हजरत मामे हुसैन ते हसन पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रौदे वल टुर पए। हजरत सजदाए कायनात ने मौला अली नु अंदर बिठा ले आओ आखिया अली मैं तेरी बीवी आओ तेरे नाल वक्त गुजार आए हाथ बन ले आखे अली मैनू माफ कर दे कई मेरे कलो के ऐसी गलती हो गई होवे खिदमत में कमी हो गई होवे अली मैनू माफ कर दे आज अली मैं तेरे पुत्रा दी मां वां अगर मैनू बीवी समझ के नहीं बीवी समझ के नहीं पुत्रा दी मां समझ के नहीं मुहम्मद दी ती समझ के माफ कर दे आज। मौला अली दी अखां च आंसू आ गए पर मैं फातिमा अगे नबी दी जुदाई खांदी है उतो तुसा भी जान दिया गल्ला पे कर दे जिन्ना दे दिल बर जानी विछड़ ओ कदरो वल थोड़ा दर्द बिचो दर्द मुहम्मद ए जिस दा नाम बिछोड़ा। अबाबे दिवकार मौला कायनात फरमांदे ने फातिमा मैं कोई ऐसी बात वेखी नहीं तुसा हर वाले मैनु राजी कीता है। मौला अली ने हाथ बन ले आका फातिमा तू नबी दी थी है नबी दी प्यारी बेटी है तेरे आमद ते नबी उठ के खलोंदे सन मेरे आका फरमाया लोको जिन्हें फातिमा नाल प्यार कीता मैं मुहम्मद दे नाल प्यार करांगा जिद नाल मैं प्यार करांगा अल्लाह ओदे नाल प्यार करेगा। मौला अली हाथ बन ले फरमाया फातिमा कदी उच्चा बोले आयो वा कदी ऐसी तलखी हो गई होवे अपने बाबे नु शिकायत ना करी मेरिया शिकायत ना करे आजे। मौला अली कहंदे ने फातिमा मैं राजी आं हजरत फातिमा आखदी अली मैं भी तेरे ते राजी आं कह दिया हुण सुनो मैं खुश क्यों आं। फरमादिया ने जिस दिन दा हुजूर गए ने मैनू नींद नहीं आई अज मैं जदों सुती आं मेरे बाबा ख्वाब विच तशरीफ लैके आ गए फरमाया फातिमा सवेरे विसाल दियां कड़ियां आ जानियां ने दुनिया नूं छड़ के मेरे कोल आ जाओ। फातिमा सवेरे 1,24,000 नबी आणगे मैं भी आवांगा सुबह तेरी रूह दा इस्तकबाल करांगे। इधर जनाबे इमामे हसन गए इमाम हुसैन मुस्तफा दे रोजे ते गए वेख्या दो चिट्टी दाड़ी वाले बाबे खलोते होए ने ओना प्यार कीता सीने ना ला ले आओ फरमाया हसन वापस मुड़ जाओ हुसैन वापस चला जाओ जल्दी चले जाओ। आख्या बाबा तुसा कौन हो एक बोल के कहंदा मेरा नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है दूसरा कहंदा मेरा नाम इस्माइल ज़बीहुल्लाह है अज किवें आए हो कहंदे अज तुहाडी अम्मा दी रूह दा इस्तकबाल करने आए आओ जल्दी चले जाओ तुहाडी अम्मा दा आखरी वेला आ गया है। जदों मावां टुर जांदियां ने फिर प्यार कोई नहीं करदा इंज नुकरां च लग के पुत्र रोंदे ने धीआं रोंदियां
ने तियां नुकरां च लग के रोंदियां ने जद बाप चला जांदा है लोको मेले उजड़ जांदे ने मां मरे ते छुट दे पे के ते वीर टुर करवे बाप मुहम्मद यारो उजड़ जांदा जे मेला हजरत दी वकार जदों मावां टुर जांदियां ने तियां रोंदियां आउंदियां ने अम्मा दुख किन्नू सुनावांगियां हुण साडा दुख बनावण वाला कौन होवेगा पुत्तर रोंदे ने आखदे ने अम्मा हर किसे नाल गल्लां करदे सां मां टुर जाए डरदे बाबे नाल गल नहीं कीती जांदी दुख किसे नूं सुनाया नहीं जांदा अम्मा टुरदी जांदी है रोमिए कश्मीर आरफे खड़ी हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपे फरमांदे ने मावां वाले मावां दे कोल ते सै फरियाद ले जांदे मोया मावां वाले रो रो आपे ही चुप कर जांदे हजरत मामे हसन ते हुसैन आ गए वेखा आखरी वेला है सैयदाए कायनात रोंदियां पईयां ने फरमा दे अली मैं आटा भी गुन दिता है मैं रोटियां भी पका दितियां ने सुबह मेरे बच्चे यतीम होवणगे मेरा हुसैन यतीम होवेगा मेरा हसन यतीम होवेगा मेरी नन्नी जी ज़ैनब यतीम होवेगी मेरी उम्मे कलसोम यतीम होवेगी अली इन्हां नूं फातिमा बन के भी विखाणा ई इन्हां नूं मां दा प्यार भी देवी इन्हां नूं बाबे दा प्यार भी देई मैं इन्हां दे कपड़े भी इस्त्री इन्हां दे कपड़े धो के तैयार करके रख दिते ने हजरत फातिमा गल्लां पियां करदियां ने हाथ के बिच आवाज आई फातिमा तू ते हसन दे भी कपड़े सीते ने हुसैन दे भी कपड़े धो के रख दिते फरमाया जब तेरे हसन नूं जहर दिता जाएगा जिगर निकल निकल के टुकड़े टुकड़े होके डिगदा होवेगा अपने पुत्र हसन दा ख्याल कर करबला दी धरती उत्ते तेरे पुत्र हुसैन नूं तीर वजे आणगे तलवारां वजियां आणगियां फातिमा हवावां दे गरम तपेड़े वजदे आणगे पर ए लजपाल घराना ए इहनां ओह कम कीता ए जिहड़ा किसे नहीं कीता इहनां ने ओह जिम्मेदारियां चुकियां ने जड़िया कोई भी नहीं चुक सके आओ इस बात आशक बोल के कहना बड़ा औखा पार चाया फातिमा दे ले बड़ा औखा पार चाया फातिमा दे ले राजी रजा तेरा बड़ाई महाले ए राजी रदा तेरा बड़ाई महाले बड़ाई औखा पार चाया फातिमा दिला ले बड़ाई औखा पार चाया फातिमा दिला हजरत दी वकार यो घराना लजपाल अजमता वाला घराना हजरत इमाम हसन फरमाया कि मेरी अम्मा दी गल पुछी जे मेरी वालदा दी गल पुछी जे फरमाया मैं एक रात भी ऐसी नहीं वेखी जिधर रात ना मुकी होवे ते मेरी अम्मा दा सजदा पूरा होया होवे रात मुक जांदी मेरी अम्मा दा सजदा नहीं मुकदा रात मुक जांदी मेरी अम्मा दा रुकू नहीं मुकदा रात मुक जांदी मेरा अम्मा दा कयाम नहीं मुकदा
ते फरमाया मैं एक दुआ भी नहीं वेखी जी अम्मा ने साडे वास्ते मंगी होवे। जदों भी दुआ मंगी आखिया या अल्लाह मेरे बाबे दी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे, मेरे बाबे दी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे। हज़रत दे वकार अज उन्हां दा इह फैज़ान है कि अज मुसल्ले ते कुरान पढ़िया जा रहा। हज़रत सखी हुसैन ते बीबी पाक दा इह फैज़ान है कि अज मुसल्ले दे उत्ते कुरान नमाज़े तरावी दे विच पढ़िया जा रहा है और साडे बच्चे हाफ़िज़े कुरान बन रहे हैं और असा दीन दी तरफ रागब हाँ। ये उन्हां दा फैज़ान है। अपनी औलाद नूं कुरान दी तालीम देवो, अपनी औलाद नूं कुरान दी तालीम दिलवाओ, पर उन्हां कोलो दिलवाओ जिन्हां दा तअल्लुक सैयद कायनात नाल होवे, जिन्हां दा तअल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात नाल होवे, जिन्हां दे दिल विच इश्क मुस्तफा होवे, उन्हां कोलो कुरान पढ़वाया जे, उन्हां दे पिछे नमाज पढ़िया जे। हज़रत दी वकार उस मस्जिद च पैसे दिया जे जिस मस्जिद दे विच नारा रिसालत लगदा होवे, जिथे मौला अली दा नारा वजदा होवे मस्जिद दे विच आए, अली आए भी मस्जिद दे विच, गए भी मस्जिद विच, आए भी मस्जिद विच ते मौला अली, गए भी मस्जिद विच। मस्जिद का मान रखिया तो मौला अली ने रखिया, नमाज का मान रखिया तो मौला अली दे पुत्रा ने रखिया, कुरान का मान रखिया तो मौला अली दे पुत्रा ने रखिया, सजदा कायनात ने रखिया है। हज़रत दी वकार जे इन्हां नाल ताल्लुक नहीं फिर कुछ भी पल्ले नहीं हो पैना। आओ अल्लाह दी पाक बारगाह अंदर दुआ करिए, खालिके कायनात अपने महबूब का सदका, सजदा कायनात दा सदका अल्लाह मेरी ते तुहाडी हाजरी कबूल फरमा के साडे सारयां दे वास्ते ज़रिया निजात बनावे। साडे सेठ फरियाद साहब ने बड़ी मुहब्बत फरमा दे ने, हर जुमा भी इन्होंने पढ़ना हुंदा है और अकीदत का बड़ा इजहार करते हैं। उन्होंने एक फरमायश कहते हैं कि जनाब तुसी एक शेर जिहड़ा ना वो गोलड़े दे ताजदार दा पढ़ दिओ। पीर सैयद मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा एक शेर जिहड़ा ना वो पढ़ दिओ, तो उस तो बाद फिर गुफ्तगू खत्म होवेगी। शायर लिखदा ना तसव्वुर विच लिखदा, तसव्वुर दे विच जाके लिखदा कि हजूर इंज दे होवणगे, हजूर की पेशानी इंज दी होवेगी। पीर मीर अली शाह ओ ने जिन्ना तसव्वुर विच नहीं वेख के हजूर का कलाम लिखिया, हजूर के सामने बह के तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलाम पाक जिन्ना ने लिखिया है उहदा नाम पीर मीर अली शाह गोलड़े का ताजदार है। तो जदों वेख्या ना सरकार नूं फिर वेख के की आंदे ने, वेख के फिर की आंदे ने। सुल्तान उल आरिफीन ने भी आख्या, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप भी आख्या, तो फिर गोलड़े दे ताजदार भी आख्या। पहले सुल्तान उल आरिफीन का शेर पढ़ लें, चौधरी पप्पू ना पढ़िए तो अगले दिन बलामा दे देंदा, फोन करके कहता कारी साहब चंगी नहीं जे की थी। मैं तो आया था उस शेर सुनने वास्ते, हाजी साहब का बड़ा बेली है, तो वह फिर बलामा दे देंदा, तो मियाँ बलामा फिर चलिया तो नहीं ना जाता, तो फिर बलामा ला ही देना चाहिए। गुंजा पा के आखो हज़रा सुबहान अल्लाह, बिल्कुल आखिरी घड़ियां ने एक सुल्तान उल आरिफीन का शेर, तो उस तो बाद एक शेर गोलड़े दे ताजदार दा, ते दोवां दी गल वेखण दी करनी, दोवां दी गल वेखण दी करनी। हज़रत दी वकार जो दो सुल्तान उल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मेरे पाक नबी नूं वेख्या ते वेख के की कहंदे ने, तन मेरा चश मे ते मैं मुर्शद वेख ला रजा हो लुल दे मुड लख लख चश्मा एक खोला ते एक कजा हो इतला डिठया मैनू सबर लाया वे मैं होर किदे वल पजा हो मुर्शद दा दीदार बाहो मैनू लख करोड़ा हजा हो। ताजदार कहते ने सूरत नू मैं जाना खा जा
आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शाल तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह करे तुहानु दीदारे मुस्तफा हो जाए तो सामिया को सुबहान अल्लाह माँ अजमला का माँ अहसाना का माँ अकमला का किथे मेरे अली किथे मेरे अली किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखा किथे जायड़िया फिर सारे क्या दियो मुस्तफा जान।